नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो ये शाम का टाइम है 4 बजे का, और 4 बजे से ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ है। और हाँ, आप सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ, जो लोग हमारा वीडियो देखती हैं उनको हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए, करवा चौथ के दिन क्या क्या बनाते हैं वही बनाएंगे हम, फिर दिखाएंगे किस तरीके से रेडी हुए हैं। और सब आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि तभी तो आप लोगों को पता चलेगा वीडियो में मतलब करवा चौथ को क्या क्या हुआ है। तो चलिए बनाती हूँ। और मेरे यहाँ बनता है कढ़ी चावल, मीठे गुलगुले और खीर, ये सब मीठा सब बनता है और कच्चा भी बनता है। तो अभी मैं नहा के जस्ट आई हूँ एकदम, और एक बार सुबह नहा ली थी फिर शाम को फिर से नहाई हूँ बाल धो के। तो कैसी लग रही हूँ अभी नहा के, कुछ नहीं लगाया है मैंने चेहरे पे, आप लोग देख सकते हो। और फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराया, हमारे पास पैसे नहीं थे फेशियल के लिए, तो मैंने फेशियल नहीं कराया और कुछ नहीं कराया है, बस थ्रेडिंग कराई है, वो भी काफ़ी दिनों का, अब 10-12 दिन हो गया। शादी में गए थे, वो जो वीडियो डाला शादी का तब कराया था, वही किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मैं बना रही हूँ मीठे गुलगुले। हमारे यहाँ मीठे गुलगुले बनते हैं, तो वही आटा मैंने मतलब पहले से ही घोल के रखा है, आटा गूंद के पूड़ियों का रख लिया है। सारा खाना एक साथ आप लोगों को दिखा दूँगी ताकि मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2 भाग में डालूंगी तो आप लोग देखिएगा, 2 पार्टों में डाल दूंगी क्योंकि आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। 12-13-16 मिनट 17 मिनट तक का ठीक रहता है, और उससे बड़ा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो इधर मैंने आटा देखो बना लिया है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। गुलगुला चुहा लेती मैंने गुलगुले बना लिए हैं, और अब बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो ये पूड़ियाँ भी बन गई हैं, और ये नमकीन वाले जो बेसन के पकोड़े होते हैं कढ़ी के लिए वो बनाए हैं, इसमें फिर पूजने के लिए भी रख देंगे। और ये मीठे वाले गुलगुले ये देखिए आपको, और ये बेसन के पकोड़े, और ये कढ़ी छौंक दी है मैंने। तो चलिए खाना मेरा रेडी हो गया है, कढ़ी बनेगी तब तक मैं हो लेती हूँ तैयार। तो ये देखिए इधर मैं आ गई हूँ तैयार होने, तो तैयार हो गई हूँ। तैयार होते तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ये देखो, सारा मेकअप कर लिया है और चूड़ियाँ मैच करके पहन रही थी, ये देखिए। और ये नेकलेस जो आप लोगों ने देखा है अनबॉक्सिंग की है वही है, और ब्लाउज मैंने सिला है, कैसा सिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चूड़ियाँ मैच कर लेती हूँ इस तरीके से, अभी
अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा आप लोग। आयशु को भी दिखा दो, खेल रही है तो। आयशु को इधर, हमारे बगल वाली मतलब नीचे तैयार हो रही थी, उसकी लड़की भी हमारे घर खेल रही थी। तैयार हो गई थी, इधर करवा भरने लग गई थी और पूजने का सामान निकाल के लेके आई थी, मिठाई वगैरह लगाना था मेरे को। तैयार हो गई उसके बाद में फिर मैं करने लग गई थी। और मेरा मोबाइल ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, इसका कैमरा जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। तो इधर मिठाई निकाल रही हूँ, और कैसी लग रही हूँ अभी मैं आप लोगों को खड़े होकर पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे, और आप लोग देखिए और अच्छे अच्छे प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, दिया जला दिया, पूजा कर दी, और ये चांद को देखने के लिए सामान रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं कथा सुन लेती हूँ। इधर जो है ना कोई नहीं था, तो मैं अपनी बेटी से कथा सुन लेती हूँ। मेरी बेटी पढ़ देती है, मैं सुन लेती हूँ बैठ के। तो वो कथा कह रही है और मैं सुन रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को म्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाने वगैरह बज रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए फिर मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में और फाइनल लुक भी देखिए। समाप्त हो चुकी थी तो ये कथा मैंने सुन ली है। थोड़ा सा ओड़ा सूट किया है, सब सूट किया है मैंने। और ये देखिए इधर मेरा फाइनल लुक पूजा करके, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी पहनी और ये चूड़ियाँ पहनी हैं। कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए आप लोग, ये मेरा फाइनल लुक। ये देखिए नथ वगैरह पहनी है, कैसी लग रही हूँ कमेंट जरूर कीजिएगा।
इधर इनके पापा बैठे थे, इधर मैं आ गई थी और पूछ रही थी कैसी लग रही हूँ मैं तो धीरे धीरे बोल रहे थे। और रात में मतलब बहुत अच्छे से इसमें वीडियो नहीं आता है, दिन में ज़्यादा अच्छे से आता है। आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं एक अच्छा सा मोबाइल ले पाऊँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक, दोनों हाथों से हेलो कर रही थी। तो चलिए चलते हैं पूजा करने ऊपर चांद देखने। तो ये देखिए मैं ऊपर आ गई थी, अंधेरा बहुत था, कितना मतलब दो मोबाइल तीन जला रखे थे, पर फिर भी थोड़ा सा मैं दिख रही हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना कम दिख रही हूँ। तो बस इतना ही दिख रही थी। और ये देखिए मैं थोड़ा सा वो जला जुलू रही थी पास में, तो वही दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से मैंने चांद की पूजा की है। हमारे यहाँ जो जो लेके जाया जाता है वो ऊपर जाके पूजा की जाती है, चढ़ाया जाता है चांद पे। ऊपर तो देखिए मैं और इनके पापा दिख ही रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको। तो ये मैं चांद पे अर्क वगैरह दे रही हूँ और चांद देख रही हूँ। चांद भी अंधेरे में उतना हल्का निकला था क्योंकि 8 बजे ही पूजा कर दी थी, हल्का सा ही था लाइट सा। तो आप लोग देख सकते हो एकदम लाइट सा वो दिख रहा है, चांद थोड़ा सा दिख रहा है, वही चांद था लाल लाल चांद का सा, एकदम काला है। कर दी है मैंने पूजा, यही इधर उधर इधर उधर चांद भी दिखाना था और बच्चे थे जैसा सूट कर पाए वैसा सूट कर लिए। और इनके पापा को मैं टीका वगैरह कर रही थी। तो देखिए आप लोग और कमेंट कीजिए मेरा करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें अब तक हमारे वीडियो में नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो यही बोलना था आप लोगों से, क्योंकि ये देखो मैंने उनको मतलब खिला पिला दिया और अब ये डाल देती हूँ माला। और वो ड्रेस भी उसी कलर की पहने थी, ग्रे कलर की, तो कम दिख रहा है उनका, मेरा थोड़ा डार्क कलर का तो मेरा दिख रहा है। ये मतलब मैंने माला डाल दी, हमारे यहाँ माला डालते हैं। और फिर पिला दिया है पानी, गिलास तो चमक ही रहा होगा। चलिए लास्ट में आप लोगों को दिखेंगे थोड़े से जब मैं चलनी से देखूंगी। तो ये देखिए मैं चलनी से देख रही हूँ, ये देखिए दिख रहे हैं माला माला दिख रहा होगा, और वो मैं उधर से चलनी से देख रही हूँ। और बहुत छत पे बहुत ज़्यादा उचितता नहीं होता है, आप लोग समझ सकते हो, फिर भी मैंने कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की। तो ये देखिए मतलब देख रहे हैं हम चांद को भी देख रहे हैं, सामने वो खड़े हैं उनको भी देख रही हूँ। तो आपके तो तब भी आ रही पापा, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड ग्रुप में। ये देखिए मैं देख रही हूँ और मतलब नहीं दिख रहे, फिर मैं सोची चलो अब फोन दूसरी तरफ से घुमाते हैं। तो फिर बच्चों से बोला इधर से घुमाओ, पापा थोड़े से तो दिखने चाहिए। तो ये देखिए मैं देख रही हूँ और वो उनका चेहरा दिख रहा है और गिलास पकड़ रखा है हाथ में पानी पिलाने के लिए। तो ये देखिए मैं इस तरफ से देखी हूँ और दिख रहे हैं, चांद भी साथ में दिख रहा है और वो भी दिख रहे हैं। और ये मेरे को पिला दिया है पानी, व्रत हो गया है ख़त्म। पहुँच गए थे नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगा था, फिर थोड़ा सा पानी पिया और पहुँचे नीचे। वो मेरे को खिला रहे हैं, मैं उनको खिला रही हूँ और खिला पिला के, और जो खिलाया जाता मैंने खिला दिया, उस टाइम सूट नहीं किया। और तो मैं उनको बोल रही हूँ हाय कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में अच्छी के साथ। नमस्कार।